बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी। सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक वन फॉर क्लास नाइन्थ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू। आज हम इंग्लिश की बुक में से जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है सेकेंड चैप्टर शाह अब्दुल लतीफ। फर्स्ट चैप्टर आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे, आज हम सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। शाह अब्दुल लतीफ, हमने इस चैप्टर को आपके लिए नाइन मेजर पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है जिसकी हेल्प से हमें चैप्टर को डिस्कस करना इजी होगा। उसके बाद हम एंड में एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉफिट्स एंड द सेंटली मैन। सेकेंड टॉपिक इज सेंटली मैन इन ईच ऑफ कंट्री। थर्ड इज द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। फोर्थ इज व्हेन हिज फादर डाइड। फिफ्थ शाह लतीफ द म्यूजिशियन। सिक्स टॉपिक इज शाह अब्दुल लतीफ डेथ। सेवन टॉपिक इज द किंग गुलाम शाह कलोड़ो। एट टॉपिक इज लतीफ उर्स एंड नाइन्थ इज लतीफ मैसेज। देन हम उसके बाद एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे जो कि हम इस चैप्टर में के एंड में गिवन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड द सेंटली मैन। इस्लाम अमन का मजहब है जैसे कि हम सब जानते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में 124,000 पैगंबर को सिर्फ और सिर्फ इंसानों की रहनुमाई और उनकी मदद के लिए भेजा। खुदा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान के लिए रहमत बनाकर भेजा। इन्होंने अपनी मेहरबान तबीयत और शायस्ता तरीकों से लोगों के दिल जीत लिए। इनके बहुत से पैरोकारों ने हर जमाने में पूरी दुनिया में इनकी मौजूद मिसाल की पैरवी की। इन सूफी लोगों की कोशिशों से इस्लाम दूर दराज तक फैल गया। ये नेक लोग गैर मुस्लिमों को इस्लाम के दायरे में लाने में बहुत कामयाब हुए। सेंटली मैन इन ईच पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि सूफी लोग हमारे मुल्क के हर हिस्से में। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे मुल्क के हर हिस्से में ऐसे सूफियों के मजार हैं जैसे कि लाहौर में दाता गंजबख्श और मियाँ मीर साहिब के मजार, पाक पतन में बाबा फरीद ने जिंदगी गुजारी और वफात पाई, मुल्तान में गौस बाउल हक, और पेशावर, कोयटा और दूसरे कई ममालिक और कई शहरों में पाकिस्तान के बहुत सारे सूफी शायरों के मज़ार हैं और मकबरे हैं, और इन सूफी शायरों ने यहाँ जिंदगी गुजारी। सिंध में दो अजीम सूफियों के मज़ार हैं, शाह अब्दुल लतीफ और कलंदर लाल शहबाज। द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। अजीम सूफी शाह अब्दुल लतीफ, जिनको इनके मोतकदीन प्यार से लाल लतीफ कहते हैं, 1102 हिजरी में एक छोटे से गांव हाला हवेली में पैदा हुए। इस वक्त नेक मुगल हुक्मरान औरंगजेब मुल्क पर हुकूमत करता था। शाह अब्दुल लतीफ के अबा अजदाद ने तैमूरलैंड के जमाने में सिंध हिजरत की थी। वो हिजरत से आए थे। सिंध इस वक्त मुस्लिम सकाफत का मरकज था और शाह अब्दुल लतीफ के अबा अजदाद ने इसे इतना पसंद किया कि इसे अपना घर बनाने का फैसला कर लिया। मगर कोई भी इनका नाम ना जानता, ना इनको याद करता, अगर कई सदियों बाद की इनकी औलादों में से सैयद हबीब शाह के हाँ एक बेटे की विलादत ना हुई होती जो बड़ा होकर सूफी लाल लतीफ हुआ। शाह अब्दुल लतीफ बड़े हसास जहन के मालिक थे। जल्द ही इनका दिल खुदा की मोहब्बत से भर गया और फितरत की खूबसूरती ने इनके एहसासात को बड़े जबरदस्त तरीके से उभारा। अभी वो लड़के ही थे कि इन्होंने शायरी करना शुरू कर दी। वो इल्म हासिल करने के भी बहुत शौकीन थे और वो बड़े होकर अरबी और फारसी के आलिम बने। जब वो 20 साल के थे तो इन्होंने एक मुअज्जिज़ और नेक खातून से शादी कर ली। वो अपनी बीवी के साथ बहुत रहम दिली के साथ रहे और बहुत सालों तक घर पर रहे। ताहम इनका दिल मजहब और रियाजत तो इबादत की जर्द रागिब हुआ होता गया और एक आम घरेलू जिंदगी गुजारने में इन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। When his father died, यानी कि जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ। अब इस पैराग्राफ में जो बताया जा रहा है वो ये है कि उनके वालिद के इंतकाल के बाद हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का क्या रद्देअमल था या उनका क्या रवैया था अपने साथ या अपने घर वालों के साथ।
जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो शाह अब्दुल लतीफ ने घर छोड़ दिया और अपने गांव से कुछ फासले पर वाके एक टीले पर जाकर रहने लगे। सिंधी में बिट्टी के टीले को भिट कहते हैं, इसी हकीकत की वजह से कि इन्होंने अपनी बकाया जिंदगी इस टीले पर गुजारी, शाह लतीफ भिट वाले सूफी कहलाने लगे। आज भी वो पूरे मुल्क में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई या भिट वाले शाह अब्दुल लतीफ के नाम से मशहूर है। शाह अब्दुल लतीफ म्यूजिक। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू देना चाहूंगी कि हजरत शाह अब्दुल लतीफ का म्यूजिक स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो हजरत शाह अब्दुल लतीफ जहाँ भिट पर रहने गए थे, वहां पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, खुदा के लिए लतीफ की मोहब्बत बढ़ती गई। यहाँ तक कि इन्हें सिर्फ इबादत और रियाजत में खुशी मिलती थी। वो अपना ज्यादातर वक्त इबादत और रियाजत में ही गुजारते थे। इबादत करने से इनकी रूहानी ताकत बढ़ गई और इतनी ज्यादा कि लोगों की इनकी तरफ कशिश होने लगी। जो कोई भी इनके पास आता, इनके शरीफाना अतवार से बहुत ज्यादा मुतासर होता और इनके पैरोकार दिनों दिन बढ़ते गए। इस भेंट के करीब जहाँ लाल लतीफ आकर रहने लगे थे, एक कुदरती झील है। इनकी शायराना तबीयत पुरसुकून माहौल को पसंद करती थी। वो अपना ज्यादातर वक्त इस झील के किनारे बैठकर गुजारते। जब वो वहां बैठते तो होते तो अल्लाह ताला की इबादत करते थे और इसकी हमदसना में अशार कहते थे। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ना सिर्फ एक सूफी शायर थे बल्कि एक मौसीकार भी थे। इनकी मौसीकी में बहुत सुकून मिलता था। इस फन में इनकी महारत ने इन के वक्त की मुश्किल मौसीकी में बहुत सी तब्दीलियों और बेहतरी करने के काबिल बनाया। दूसरी हर चीज की तरह वो मौसीकी और आलाते मौसीकी में सादगी पसंद करते थे। इनको इस ख्याल से इत्तेफाक ना था कि मौसीकी को मुश्किल होना चाहिए, लिहाजा इन्होंने इसको सादा बना दिया। इन्होंने एक मौसीकी आला भी इजाद किया और इसे तंबूरों का नाम दिया। ये इस आले की तरह था जिसे अरब इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके तारों की तादाद मुख्तलिफ थी। आज तक तंबूरों पूरे सिंध में मकबूल है। बड़े और छोटे सब इसे बजाते हैं और इसकी सादा और मशहूर कन मौसीकी पर लतीफ के गाने को गाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ डेथ, यानी कि हजरत शाह अब्दुल लतीफ की वफ़ात कब हुई, कैसे हुई और कहाँ हुई। लाल लतीफ 1165 ईस्वी में इसी टीले पर वफ़ात पा गए जहाँ वो रहते थे। वो वहीं मदफून हुए। इनके मौतकदीन ने इनकी शायरी को जमा किया और इसको शाह जो रसालों का नाम दिया। वो अवामी शायर थे, लिहाजा इन्होंने आम आदमी की जबान में शायरी की। इनकी नज़मों का मजमुआ इतना गिरा नकद रहे कि इसका तर्जुमा बहुत सी जबानों में हो चुका है। शाह की शायरी की एक बड़ी खसूसियत इसकी सादगी के अलावा इसकी मुतासिर कुन मौसीकी है। जब आप इसे सुनते हैं, चाहे आपकी एक शायरी को एक लफ्ज आपको समझ ना आए, मगर आप इनकी मौसीकी या इनकी मेलोडी से मुतासिर हो जाएंगे। द किंग गुलाम शाह कलहोड़ो, बादशाह गुलाम शाह कलहोड़ो। अब ये कौन थे? ये सिंध के एक मशहूर बादशाह थे जिन्होंने जो कि इनके इतने मौतकदीन थे कि हजरत लाल शहबाज के गुजरने के बाद इन्हीं की कब्र पर मकबरा कायम करवाया। लतीफ उर्स, यानी कि लतीफ का उर्स। लतीफ का उर्स हर साल 14 सफर, जो इस्लामी तकवीम का दूसरा महीना है, इनके मजार पर मनाया जाता है। वहां हजारों लोग जमा होते हैं और तंबूरे पर शाह के गाने को सुनते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। बहुत से आलिम लोग मुकाले पढ़ते हैं और शाह की जिंदगी और इनकी शायरी के बारे में बताते हैं। हाल ही में वहां एक लाइब्रेरी, एक रेस्टोरेंट हाउस और एक अजायब खाना तामीर किए गए हैं। खुद मकबरे की भी दोबारा तामीर की गई है और इसे मेन रोड से जोड़ दिया गया है। इसका खूबसूरत सफेद गुंबद, जो कि लतीफ की पाकीजगी और अजमत की नुमाइंदगी करता है, कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। लतीफ मैसेज, यानी कि लतीफ का पैगाम इंसानों के लिए या तमाम इंसानियत के लिए या उनके मानने वाले, उनके डिवोटीज के लिए क्या है।
لطیف کا پیغام محبت کا پیغام ہے، وہ انسانی مساوات اور بھائی چارے پر اور نیک کام کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے پر یقین رکھتے تھے، ان کے نزدیک یہی زندگی کا مقصد تھا۔ اب ہم ایکسرسائز پر آ جاتے ہیں۔ ہم آپ کی بک میں سے ایکسرسائز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہاں پر کوسچن آنسرز میں نے دی ہیں آپ کو 11 کوسچن آنسرز، جو کہ آپ کے ایگزامز میں ہی، آپ کے بورڈ کے ایگزامز میں زیادہ تر آتے ہیں۔ یہ پوسیبل ہے کہ ان سوالات میں سے سوال آ جائیں۔ یہ پہلے چار سوال، دین دس از 6, 7, 8، دین دیز آر 9 and 10 and 11۔ آل دیز کوسچنز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ یو کین آلسو نوٹ دیز کوسچنز ان یور نوٹ بکس۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایکسرسائز میں سے ایم سی کیوز پر۔ یہ ایم سی کیوز آپ کی بک میں سے میں نے کاپی کیے ہیں اور انہیں آپ کے لیے سالو کر دیا ہے۔ آپ اپنی بک میں انہیں سالو کریں اور اس کے بعد یہاں سے آنسرز ٹیلی کر لیں۔ دیز آر دی کراس آؤٹ دی رانگ ورڈز، یہ بھی آپ کی بک کی ایکسرسائز ہے۔ اس میں بیسیکلی آپ کو ان ورڈز کو کراس آؤٹ کرنا ہے جو کہ اس اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اور ان ورڈز کو چھوڑ دینا ہے جو کہ اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے صحیح ہے۔ جیسے کہ فرسٹ میں ایگزامپل آپ کو سالو کروا دیتی ہوں۔ ہی اسٹیز ان، ایٹ اور ان سائڈ ہوم ان دا ایوننگ۔ اب یہاں پر ان اور ان سائڈ نہیں ہوگا، یہاں پر ایٹ ہوگا۔ تو اسی طرح سے آپ نے باقی کی ساری کو بھی سالو کرنا ہے، اس کے بعد آنسرز یہاں سے ٹیلی کر لینے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ یو کین آسک اینی آف یور کوشچنز اینڈ کیوریز آن آور ای میل اور دا کانٹیکٹ نمبر گیون بلو۔ یو کین آلسو کمنٹ فار یور کیوریز in the comment sections below.